नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि अष्टम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में। दो व्यक्ति है, पुरुष की यदि कुंभ राशि है और यदि स्त्री की कन्या राशि है, तो उनका जो प्रेम है, उनके जो रिलेशनशिप है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप में करनी चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि टालनी चाहिए। दोनों राशियों के मतलब कुंभ राशि के पुरुष और कन्या राशि के जो स्त्री है, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, उनके एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के स्त्री और पुरुष यदि परस्पर प्रेम या फिर रिलेशनशिप में होंगे, तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के पुरुष और कन्या राशि की जो स्त्री है उनके बारे में। तो सबसे पहले कुंभ राशि के बारे में अगर कहा जाए, तो काल पुरुष की कुंडली में 11वें स्थान में या फिर एकादश स्थान में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो शनि है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और ये जो राशि है वो स्थिर स्वरूप राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि कुंभ राशि के जो पुरुष है उनमें देखी जा सकती है, वो होता है इनके सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। अब ये जो मुहावरा है वो इनको काफी अच्छी तरीके से लागू होता है, क्योंकि इनका जो रहन सहन होता है इससे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो कितना स्ट्रांग है। चाहे इनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, इनका जो रहन सहन होता है वो काफी सिंपल होता है, लेकिन इनकी जो सोच होती है, इनकी जो थिंकिंग होती है वो काफी बढ़िया देखी जा सकती है। फॉरवर्ड थिंकिंग थिंकिंग इनकी होती है। जब भी आप इनके इनके साथ कम्युनिकेट करो तो आपको पता नहीं चलेगा कि इनके इनकी जो सोच है वो कितनी गहरी है, और कई दिनों के बाद या फिर कई सालों के बाद आपको पता चलेगा कि जो भी उन्होंने कहा था वो इतना सही था। मतलब इस राशि के जो पुरुष होते हैं वो काफी ज्यादा डीप थिंकर होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, काफी कम बोलने वाले होते हैं। वैसे भी देखा जाए तो जो पुरुष वर्ग होता है वो थोड़ा कम बोलता है, लेकिन अगर यदि कुंभ राशि का पुरुष हो तो बहुत ही कम बोलेगा, टू द पॉइंट बोलेगा, और जो भी बात कहेगा वो काफी इन डेप्थ होगी, सोच लेने वाली होगी। देखिए, ज्योतिष में करीबन 4 राशियां हैं जो कि बौद्धिक रूप में काफी अच्छी मानी जाती है, जिसमें जैसे कि मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। तो ये जो कुंभ राशि का नंबर है वो सबसे आगे का है। मतलब कुंभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, और जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वो लॉजिकल थिंकिंग करने वाले होते हैं, तर्क वितर्क करने वाले होते हैं। तो ये जो बात है तर्क करना, ये कुंभ राशि के जो पुरुष होते हैं उनमें काफी ज्यादा देखी जा सकती है। किसी भी विषय पर वो जल्दी से विश्वास नहीं रखेंगे जब तक उनको उस बारे में पूरी तरह से पता नहीं चलता, या फिर उनके तर्कों के आधार पर वो जो बातें हैं वो खरी नहीं उतरती। इसी वजह से जो भी पुराने जो भी बातें हैं या फिर पुराने से जो भी बातें चली आ रहे थे, तो उस पर इस राशि के जो पुरुष है विश्वास नहीं रखेंगे जब तक तो उनको उसके बारे में कुछ विश्वास नहीं होता या फिर उसका कोई अनुभव नहीं आता। तो यही बात होती है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात इनके व्यक्तित्व में देखी जा सकती है, वो होता है इनका डिसिप्लिन नेचर। इनका जो डिसिप्लिन नेचर होता है वो काफी खासा देखा जा सकता है। अब ये जो डिसिप्लिन वाली बात है वो घर पर भी और घर के बाहर भी देखी जा सकती है। इनका जो पूरा दिन है वो टाइम बाउंड होता है, मतलब कौन से दिन में और कौन से समय में क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। इनका जो काम होता है वो भी परफेक्ट होता है, मतलब आप उसमें किसी भी प्रकार की खामियां नहीं निकाल सकते। अब यही जो बात है, मतलब ये जो डिसिप्लिन वाली बात है, वो सामने वाले व्यक्ति से भी एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब घर के लोग या फिर जहां पर वो काम करते हैं वहां पर के जो इर्द गिर्द के इनके सहकर्मी होते हैं उनसे भी एक्सपेक्ट करते हैं। नहीं, लेकिन सभी लोग डिसिप्लिन नहीं होते या फिर डिसिप्लिन नहीं हो सकते, इसी वजह से इनसे थोड़ा सा जो लोग हैं वो दूरियां करना पसंद करते हैं। क्योंकि अगर जो बात है जैसा ये चाहते हैं उस प्रकार से नहीं होती, तो इनकी जो वाणी होती है वो कड़वाहट भरी हो जाती है, इनका जो बिहेवियर होता है इसमें सडन चेंज देखा जाता है, गुस्सा इनको बहुत जल्दी आता है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इस राशि के जो पुरुष होते हैं वो अपने बातों पर अड़े हुए रहते हैं, मतलब अपने बातों से जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाते। इनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, इनके जो एथिक्स होते हैं वो काफी ज्यादा भारी देखे जा सकते हैं। इसी वजह से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नेचर होने के कारण
लोग जो है इनसे दूरियां करना पसंद कर रहते हैं, हालांकि इनके पास इमोशंस भी होते हैं, लेकिन वो इमोशंस से ज्यादा उनके जो डिसिप्लिन नेचर या फिर इनका जो इंटेलेक्ट जो बातें होती है उस पर वो ज्यादा विश्वास करते हैं। इसी वजह से इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है बाकी राशियों से कुछ अलग ही देखा जा सकता है। हालांकि इस राशि के जो पुरुष होते हैं लॉजिकल थिंकिंग करने के कारण बिजनेस में ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि बिजनेस में होता क्या है कि आपको अज्ञात में काम करना पड़ता है, मतलब आपको पता नहीं होता कि कोई भी बिजनेस आप करने के बाद उससे आपको फायदा होगा नुकसान होगा या फिर फायदा नुकसान कितने तौर पर होगा। अब ये जो बात है लॉजिक से नहीं निकाली जा सकती, तो इसी वजह से इस राशि के जो पुरुष होते हैं वो बिजनेस में ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, लेकिन किसी भी प्रकार की जॉब या फिर नौकरी इसमें इस राशि के जो पुरुष है वो बहुत ही अच्छे देखे जा सकते, काफी डिसिप्लिन होते हैं, इस वजह से अपना जो काम है वो ईमानदारी टाइम टू टाइम करने वाले होते हैं और एक ही प्रकार का काम कई सालों तक वे करने के लिए जो पेशेंस होता है जो धैर्य होता है वो इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। इनका जो संपूर्ण जीवन होता है वो एज एन एग्जाम्पल दिया जाता है कि व्यक्ति ने किस तरह से अपने जो कर्तव्य है अपने जो बात अपने जो काम है या फिर अपना जो जीवन है वो किस तरह से बिताना चाहिए, इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है वो आप कुंभ राशि के जो पुरुष उनके देखा जा सकता है, काफी वृक्ष टाइप के भी आपको लग सकता है लेकिन असल में वो वैसे होते नहीं। अब हम चर्चा करेंगे कन्या राशि की जो स्त्री है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। कन्या राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में छठे भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है, इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और यह जो राशि है वो द्वि स्वभाव की राशि है। तो ये इस राशि की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है इनका बौद्धिक स्तर, इनका जो बौद्धिक स्तर होता है इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है, छोटी छोटी बातें भी इनको याद में रहती है और इनके पास काफी ज्यादा प्रश्न होते हैं और इस प्रश्नों के कारण इस प्रश्न के उत्तर भी वो खोजते हैं। इसी वजह से होता क्या है कि इनको कई फील्ड के बारे में कई क्षेत्रों के बारे में काफी अच्छी नॉलेज होती है और इससे इसके साथ हालांकि यहाँ पर बुद्धि भी होती है और इनकी जो वाणी होती है वो भी काफी अच्छी होती है, इनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जाता है, सबसे ज्यादा डिप्लोमेटिक यह राशि है, मतलब ये जब भी कम्युनिकेट करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति की पूर्णतः जो इंफॉर्मेशन है वो निकालेगी लेकिन अपने अंदर की बात नहीं बताएगी। तो ये जो डिप्लोमेसी है वो इस राशि में बहुत ही अच्छे देखे जा सकते हैं। इस वजह से होता क्या है और दूसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब भी ये बोलते तो हंस कर ज्यादा बोलते हैं तो थोड़ा सा ह्यूमरस लगता है नेचर में, तो कम्युनिकेशन स्किल इनमें काफी अच्छा देखा जा सकता है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के साथ वैसा जो सामने वाला व्यक्ति जैसा चाहे उस फील्ड से रिलेटेड ये जो कम्युनिकेशन है वो काफी अच्छी तरीके से कर सकती है। इसी वजह से इनकी समाज में या फिर सोशल नेटवर्क में इनकी जो इमेज होती है वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है, बौद्धिक स्तर के किसी भी प्रकार के जो काम है वो काफी इजीली कर लेते हैं। उसी प्रकार इस राशि की जो महिला होती है उनके उनका जो रहन सहन होता है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है, नॉर्मली बहुत ज्यादा फ्लैशी नहीं देखा जाता लेकिन कन्या राशि में जो चित्रा नक्षत्र आता है उस चित्रा नक्षत्र के जो स्त्री वर्ग होता है इनका जो फैशन सेंस होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है, सौंदर्य भी इनमें काफी अच्छा देखा जा सकता है। कन्या राशि की जो महिला होती है थोड़ी सी प्रैक्टिकल होती है, मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने, कैसे खर्च करने, किस तरह से खर्च है, वैल्यू फॉर मनी इनको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, पैसे के इन्वेस्टमेंट भी इनको काफी अच्छे तरीके से देखी जा सकती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इनमें कॉन्फिडेंस कम देखा जाता है, इसके पीछे भी कारण है कि इस राशि की जो महिला होती है नॉर्मली किसी के ऊपर विश्वास सीधे सीधे नहीं करती, किसी भी व्यक्ति पर चाहे वो व्यक्ति कितना भी नजदीक का क्यों ना हो सीधे सीधे वो विश्वास नहीं करती, पहले जांच परख लेगी लेकिन उसके बावजूद भी पूरी तरह से विश्वास करना कठिन होता है और इसी वजह से अपने मन की बात भी थोड़े से सिक्योरिटी भी होते हैं, मन की बात पूरी तरह से सामने वाले व्यक्ति को नहीं कहते क्योंकि उसके पीछे का कारण भी होता है कि यदि सभी बातें अगर सामने वाले के व्यक्ति को कह दी तो वो मुझे जज करेगा या फिर मेरा कुछ अलग ही प्रकार का फायदा ले सकता है या फिर ब्लैकमेलिंग वगैरह जैसी बातें भी कर सकते हैं। इस वजह से यह थोड़ा सा डर जो कन्या राशि की जो स्त्री है इनमें देखा जा सकता है, इस वजह से वो पूरी तरह से ओपन अप नहीं होती लेकिन उनको सामने वाले व्यक्ति को या फिर कंडीशन को टैकल किस तरह से करना है वो काफी अच्छी तरीके से आता है। उसी प्रकार इस राशि की जो महिला होती है जैसे कहा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है, बाकी सभी जो बातें हैं वो काफी अच्छे थे, थोड़ा सा फिजिकल लेवल पर भी अगर देखा जाए तो हार्ड वर्किंग नेचर नॉर्मली इनमें देखा जाता नहीं जाता, फिजिकल हार्ड वर्क मैं कह रहा हूँ, लेकिन बौद्धिक स्तर पर इस राशि की जो महिला होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस राशि की जो महिला है तो टिपिकल जो महिलाओं की जो क्वालिटीज होते हैं जो गुण होते हैं वो इस राशि में बहुत ही अच्छे देखे जा सकते हैं। जैसे हम चर्चा कर रहे थे
कुंभ राशि के जो पुरुष और यदि कन्या राशि की जो महिला है स्त्री है वह यदि रिलेशनशिप में आ जाए, देखिए दोनों राशियों में कई जो गुण है वह समान भी है और कई जो गुण है उनमें डिफरेंसेस भी है। दोनों जो राशियां हैं बौद्धिक स्तर की राशि है, हालांकि कुंभ राशि का जो बौद्धिक स्तर है वो काफी इनडेप्थ है और कन्या राशि का जो बौद्धिक स्तर है वो काफी क्षेत्रों के बारे में चलता है। कुंभ राशि के बारे में कहा जाए तो किसी एक ही फील्ड में इनका जो बौद्धिक स्तर होता है, इंटेलेक्ट होता है, वो काफी इनडेप्थ देखी जा सकती है। अब यहाँ पर कन्या राशि की जो स्त्री है इनमें जो इंटेलेक्ट होता है वो कई क्षेत्रों से रिलेट करने वाला होता है। किसी एक क्षेत्र के बारे में बहुत ही इनडेप्थ नॉलेज इनमें नॉर्मली देखा नहीं जाता। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, कन्या राशि की जो स्त्री है वो वैसे भी उनको बोलना काफी अच्छा लगता है, शेयरिंग काफी अच्छा लगता है, चुटकुले सुनाना या फिर ह्यूमरस नेचर वो ज्यादा अच्छा देखा जा सकता है, और जो डिसिप्लिन की बात है वो थोड़ी कम होती है। अब ये जो बातें पूरी तरह से उलट फिर आप कुंभ राशि के जो पुरुष है उनमें देख सकते हैं। कुंभ राशि के जो पुरुष होते हैं काफी ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, काफी कम बोलने वाले होते हैं, मितभाषी होते हैं। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण नंबर डिप्लोमेसी की जो बात है वो भी थोड़ी अलग से देखी जा सकती है। जो कुंभ राशि के पुरुष है उनमें वैसे देखा जाए तो डिप्लोमेसी बिल्कुल भी नहीं रहती, लेकिन ये बात पूरी तरह से देखी जा सकती है कन्या राशि की जो स्त्री है उनमें। अब यहाँ पर ये जो मेजर डिफरेंस है और जो हार्ड वर्किंग नेचर है, फिजिकल हार्ड वर्किंग, वो भी जो जो कुंभ राशि के जो पुरुष है उनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है, लेकिन कन्या राशि के जो स्त्री है फिजिकल हार्डवर्क नॉर्मल नहीं करते। अगर फिजिकल हार्डवर्क करते हैं तो जल्दी से थक जाते हैं, उनका पूरा मूड ही चेंज जाता है, उनका पूरा जो व्यक्तित्व है वो ही बदल जाता है। ज्यादा स्ट्रेस नहीं सहन कर सकते जो कन्या राशि के जो स्त्री है, लेकिन जो कुंभ राशि के जो पुरुष है वो स्ट्रेस करने में इनका जो दमखम होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन यह जो डिफरेंसेस है वो होने के बावजूद भी दोनों जो राशि मतलब कुंभ राशि के पुरुष और कन्या राशि की जो स्त्री है वो रिलेशनशिप में आ सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर एक बात है कि जो कुंभ राशि के जो पुरुष है इनकी जो वाणी होती है वो कभी कभी तीखी तेज तर्रार हो सकती है। अब ये जो बात है कन्या राशि को पसंद नहीं पड़ती, उसी प्रकार थोड़ा सा शिष्ट जिसे हम कहते हैं कि जो कुंभ राशि के जो पुरुष होते हैं वो अपना थोड़ा सा डिसिप्लिन नेचर है वो लेके चलते हैं। अब ये बात थोड़ी थोड़ी खटक सकती है जो कन्या राशि की जो स्त्री है उनके लिए। कन्या राशि की जो स्त्री है थोड़ी सी इमोशनल थोड़ी ज्यादा होती है, छोटी मोटी बातों को लेकर काफी ज्यादा सोच विचार करने वाली होती है। अब ये जो बात है वो कुंभ राशि के जो पुरुष है इनमें नहीं देखी जाती। हालांकि ये जो बातें हैं वो एडजस्ट करने वाले होते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हो या फिर एडजस्ट करने वाले होते हैं। मतलब अगर आप परस्पर अगर रिलेशनशिप में होंगे तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो जिस प्रकार का भी है, उसका नेचर, उसकी दृष्टि जिस प्रकार की भी है, उसे उसी प्रकार से अगर आप स्वीकार करते हो तो आपकी रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएंगे। उसी प्रकार इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि हमने अभी जो भी डिस्कस किया वो राशियों से रिलेटेड ज्यादा था, लेकिन हर मतलब अब जो राशियां होती है वो चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं, वो अलग अलग राशि नक्षत्र में हो सकते हैं और उसके जो परिणाम है वो भी अलग अलग हो सकते हैं। तो कुंडली देखने के बाद इसके बारे में ज्यादा कुछ कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि के पुरुष और कन्या राशि की जो स्त्री है वे यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर विचार। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।